करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग व्रत की कथा शाम को चंद्र दर्शन से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु एवं अखंडे सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन या फलहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, वे इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, वे खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी यह व्रत कथा पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी, उनमें बहुत थोड़े दूध और चावल थे। गणेश जी ने जा जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनती। आखिर में गणेश जी ने एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी माई के घर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे खीर बना लें। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को खाली करना है ताकि इतनी ज़्यादा खीर बन सके और गांव में बट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि ये तो संभव ही नहीं कि इतने से दूध और चावल से बड़ा बर्तन भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े बर्तन ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद वो बर्तन चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया।
बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोले कि आप नहा लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई। तभी उसकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया, खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। ये जानकर अम्मा दुखी हो गई। तब श्री गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोग को खीर खिलाई, साथ ही गणेश जी ने भी खाई।